आज की इस वीडियो में आपको एच की तरफ से एक वैकेंसी आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेगा अभी जो इसमें वैकेंसी निकल कर आई है अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल है फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से कहीं से बिलोंग करते हैं बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है लेवल नाइन की आपको यहाँ पर सैलरी देखने के लिए मिलेगी तो सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिनसे कि आने वाले जो भी सारी आती रहती है उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी और बहुत सारे ऐसे नोटिस से अपडेट जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिल जाता सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जरूर से ज्वाइन होकर रहिएगा वहां पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये आपको एच पी की तरफ से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया बिल्कुल लेटेस्ट डेट में आज के डेट में एक दिसंबर 2023 हज़ार के डेट में ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की गया और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 59 नाइन ऑब्लिक है अभी जो है द कमीशन इन्वाइट ऑनलाइन अपलीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई जिसमें सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इन इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा में अभी यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो पोस्ट है सौ चार पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए नाइन पोस्ट है और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए सेवन पोस्ट है तो ये वैकेंसी अभी परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी निकली है जरूर से आप इसमें ट्राई कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है एक दिसंबर दो से लेकर के क्लोजिंग डेट इसकी इक्कीस दिसंबर दो अप टू अपटू ग्यारह पचपन तक रहने वाली है और इसका जो एप्लीकेशन फी भी जमा करने का इक्कीस दिसंबर दो तक है तो इस डेट के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अब बात करते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है तो अगर आप बी बी टेक कर रखें यानी कि अगर आप लोग इंजीनियरिंग डिग्री इन रिस्पेक्टिव ब्रांच में अगर आप लोग कर रखे हैं बी बी टेक तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं कि नहीं तो वो लोग भी एलिजिबल हैं आपके पास ये हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर एजुकेशन लेवल का ये आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए या तो आपको टेंथ में या तो ट्वेल्थ में या हायर एजुकेशन में हिंदी संस्कृत ये होना चाहिए इनके अलावा अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें दूसरा पॉइंट में यही करके दिया गया तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका एज अ सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत होगा वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई कर सकते हैं चाहे ऑल इंडिया से से कहीं भी आप बिलोंग करते हैं बात करें इसकी सैलरी की तो इसकी जो पे लेवल है लेवल की सैलरी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी तो अच्छी खासी आपको सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया तो ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल यहां पर आप एलिजिबल हैं कोई भी रिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं रखा गया बात करें एज लिमिट की तो इसकी जो एज लिमिट है यहाँ पर दिया गया कि नो पर्सन सेल बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट इन सर्विस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुज एज इज लेस देन 18 ईयर्स तो so, 18 से आपका कम एज नहीं होना चाहिए और मोर देन 42 टू ईयर्स यहाँ पर दिया गया इक्कीस बारह दो हजार तेईस ये कटअप डेट है एज कैलकुलेशन का और इन केस अगर आपका जो एज है फोर्टी टू से ज्यादा हो गया, गया तो उस केस में कुछ है आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एस सी एस टी के के लिए फाइव ईयर का बैकवर्ड क्लास के लिए फाइव ईयर का तो ये जो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए है इसमें बात करें रिजर्वेशन की तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिलोंग करते हैं डोमेसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट के उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप हरियाणा के अलावा किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको एज अ जनरल कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल कम्प्लीट अगेंस्ट द पोस्ट मेड फॉर जेनरल या अनरिजर्व कैटेगरी एंड विल बी कंसिडर्ड एज जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो हरियाणा के अलावा किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल

करते हैं या ईडब्ल्यू एस हैं या सी एस टी हैं वो दो सौ पचास और जो या है फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फी यहां पर नहीं रखा गया तो ये था इसका डिटेल आई होप आप इसको समझे होंगे जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया थैंक यू वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए